हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड बड़ी ही मेहनत से और बड़ी ही हिम्मत जुटा के फिर से कैमरा उठाया पूरे एक साल के बाद। तो इस बार होपफुली एक और वीडियो डलेगा। पिछले साल हम लोग ऐसे ही एक फैमिली की ट्रिप पे हम लोग गए थे सरहान, और इस बार फिर हम लोग निकल आए हैं दिल्ली से। हम लोग को सुबह 5:30 बजे दिल्ली से निकले थे। वी जस्ट क्रॉस चंडीगढ़ अभी आधे घंटे पहले, एंड हम लोग जा रहे हैं शिमला होते हुए नारकंडा की तरफ। एंड इससे पहले कोई और बोले कि कोविड के टाइम में कोई क्यों जा रहे हैं, कहें जा रहे हैं, तो हम लोग पहले ही बता दें, हम चारों लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। हमें कोवैक्सीन लगी थी। मेरे मॉम एंड डैड को 2 महीने हो गए कोवैक्सीन पूरा लगवाए हुए, और मेरे भाई को 1 महीना और मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 weeks हो चुका है फुली वैक्सीनेट हुए। तो अब हम लोग निकले हैं। एंड जस्ट एज एन इंट्रो, एज अ बैकग्राउंड, मैं दिल्ली में रहता हूँ एंड आई वर्क एज अ कंसल्टेंट इन फाइनेंशियल बिग फोर इन गुड़गांव। एंड इस बार हम लोग आए हैं फिर से अपने फैमिली के साथ। अभी तक मैं ड्राइव कर रहा था, अब मैंने सोचा कि जिसकी गाड़ी है तो उसको थोड़ा सा दे दिया जाए गाड़ी चलाने का मज़ा भी, तो हमने उनको गाड़ी वापस दे दिया है। तो मेरे पापा वापस गाड़ी चला रहे हैं, तो पापा अभी गाड़ी चला रहे हैं, तो अपना हेलो कर दो। तो ये पापा हैं और ये है मेरा छोटा भाई, ये अपनी शक्ल दिखा सकता है, काफ़ी शर्मीला है। ये इस समय पढ़ता है बिट्स प्लानिंग के 3rd ईयर में एंड ही इज़ डूइंग हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। एंड अब जिसको मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ, उनको जब मैंने बोला कि कैमरा वापस चालू कर रहे हैं, तो उनका पहला रिएक्शन था ठीक है मेकअप कर लेते हैं। तो ये है मेरी मम्मी। हेलो। हेलो, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, सब झूठ बात है। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब पहले मैं उस वाली सीट पे था, लेकिन अब आ चुके हैं वो, तो अब कुछ हमारा 4.5 घंटे का और रास्ता बचा है। तो उस रास्ते का आपको दिखाएंगे, शिमला तक का रास्ता तो देखो सबने देखा होता है। कुछ हमें जाम मिला था कुछ 10-15 मिनट का शेष हिमाचल एंटर करते समय, लेकिन उसके बाद से तो रास्ता काफ़ी अच्छा है। वो जाम के थोड़े बहुत क्लिप्स देखे होंगे आपने, लेकिन उसके बाद से रास्ता पूरा अच्छा चल रहा है। अब मेरे ख्याल से ये रास्ता तो सबने देखा है, अब इसके बाद वाला रास्ता दिखाएंगे जहाँ से हम लोग शिमला से नारकंडा की तरफ कट करते हैं। एंड 4-lane हाईवे है पूरा अभी तक, तो नथिंग सो ग्रेट, नथिंग सो वैसा, कुछ ज़्यादा जाम नहीं है जैसा पुराने वीडियोस में भी पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से अभी क्या है June 2nd week, 3rd week में जो काफ़ी वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, वैसा कुछ तो जाम हमें अभी तक दिखा नहीं है, लेकिन वाला इलाका अभी आने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं, लेकिन आप इन्जॉय करो और आपको पूरा नारकंडा का एक्सपीरियंस दिखाएंगे। हम लोग वहाँ पर कुछ समय के लिए हैं and I'll be working from home there and so will be my brother. He's doing in his summer internship and my dad is also working from home. So हम सब लोग मिलके work from home करेंगे and जो work from home करता था मेरी mom, वो वहाँ पर बैठ के chill करेंगी। तो हम लोग सब लोग वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं, चलिए हम carry on करते हैं और आपसे मिलते हैं शिमला cross करके। We'll be reaching or should say crossing Solan in the next 5 to 10 minutes.
अपडेट के लिए हम लोगों ने दिल्ली में भरवाया था फुल टैंक एंड अभी कुछ हम लोग चल चुके हैं, अभी कितने चल चुके हैं हम लोग, मीटर में कितना दिख रहा है, अराउंड 347 किलोमीटर्स एंड द टैंक इज कम्प्लीटली हाफ इस समय। तो देखते हैं कितना एवरेज निकलती है, कितना एवरेज बताऊंगा मैं आपको वहाँ पहुँच के कि आपको कितना किलोमीटर लगा। एंड फॉर्च्यूनर बाय द वे वी आर ट्रैवलिंग बाय फॉर्च्यूनर डीजल है ये, तो अभी भर चुका है ऑलमोस्ट 34.15 लीटर, पूरे 3000 का पेट्रोल लगा। तो इन ओवरऑल हम चार लोगों का दिल्ली से सोलन तक का ऑलमोस्ट 3000 रुपये खर्चा आया ट्रैवल, विच इज़ क्वाइट चीप आई वुड से। सो हाँ, एंड यहाँ आई सपोज दिल्ली के मुकाबले नहीं, मेरे ख्याल से दिल्ली जितना ही है 87.85 मेरे ख्याल से दिल्ली जितना ही रेट है, जस्ट प्लस माइनस समथिंग। सो यस, देखते हैं, ठीक है अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ऑलमोस्ट 245 हो गए हैं एंड वी हैव जस्ट क्रॉस शिमला। वाइल्ड फ्लावर हॉल अभी अभी पीछे गया है, सो मतलब जस्ट शिमला को क्रॉस कर रहे हैं। वी हैव स्टॉप फॉर क्विक चाय, मैगी एंड पराठा ब्रेक एंड यहाँ से हमें लगना चाहिए ऑलमोस्ट 2 hours टू रीच आर डेस्टिनेशन, दैट इज़ नारकंडा। And distance is around about 40-50 kilometers, लेकिन रास्ता बहुत सुंदर है, तो इस रास्ते की हम लोग वीडियो देखेंगे। And I think मौसम भी अब अच्छा हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर by my watch is around 28 degree and लेकिन it feels quite less, around 21-22 degree अगर आप बाहर step out करते हैं। तो देखते हैं, ये वाला रास्ता अच्छा होगा not to explore, this is the same route that you follow for Sarhan and उसके आगे कल्पा काजा एंड काफ़ी अच्छा रास्ता है, लेकिन इट्स मतलब बीइंग अ नेशनल हाईवे इट्स नॉट वेल मेंटेन्ड उतना ज़्यादा, क्योंकि इट्स नॉट मच, इट्स काइंड ऑफ एन ऑफ बीट काइंड लोकेशन। सो एंड वेयर वी आर ऑल्सो गोइंग, दैट्स ऑल्सो क्वाइट ऑफ बीट लोकेशन, ज़्यादा लोग जानते नहीं है एंड हेंस वी थॉट, आई थॉट दैट वी कुड व्लॉग इट देयर। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, ये अगर आप देखें तो यहाँ एक छोटी सी एक टपरी आती है एंड गाड़ी में बैठे हैं सब लोग, काफ़ी हम लोग पीछे, मम्मी आपा खाना अपना चालू है एंड आएगी चाय और मैगी के लिए वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं इसके बाद, मेरे ख्याल से अब तो सीधे होटल में ही मिलना होगा। रास्ता एंजॉय कीजिए, कुछ शॉट्स अच्छे होंगे रास्ते के, अगर कोई रास्ते में अच्छा बताने वाला होगा तो वो देखेंगे, बाकी मिलते हैं फिर होटल में। Dude.
सन ब्रदर। सो वी हैव रीच्ड नारकंडा, इस समय बज रहे हैं कुछ 4:45। बिन लाइक व्हाट 11.5 आवर्स सिंस वी लेफ्ट आवर प्लेस एंड व्हाट वी हैव फिगर्ड राइट नाउ इज कि हमारा जो मेन होटल जो हमने बुक किया है नारकंडा में नहीं है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थानेदा व्हिच इज अराउंड अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम नारकंडा एंड पीछे आप देखेंगे तो नारकंडा का मेन चौक है। तो ये जो चौक है यहाँ से हम लोग वी हैव टेकन बाय रूट टू थानेदार एंड वील बी टेकिंग दिस रोड अनदर 10 किलोमीटर्स एंड वील बी रीचिंग आर डेस्टिनेशन इन दैट्स थानेदार एंड नेम ऑफ द होटल इज द वाइल्डनेस। सो ऑलमोस्ट आई थिंक द गुड पार्ट ऑफ द रोड स्टार्ट्स नाउ, सो लेट्स सी हाउ द रोड इज एंड वील मीट देयर नाउ। Finally, after almost 12.5 hours, we have reached our destination, and I must say this is a very very beautiful place. मतलब मजा आ गया destination को देख के। शांत है, ज़्यादा कोई सड़क नहीं, I mean सड़कें भी कम है, sorry for that, लेकिन हाँ सड़कें कम हैं, लोग ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल peaceful सा माहौल है। And मेरे इस समय जो आप सामने में व्यू देख रहा हूँ, इट्स सो मेसमराइजिंग कि सारी थकान मिट जाती है। दो इट वॉज अराउंड अबाउट 445-500 किलोमीटर्स फ्रॉम आर प्लेस, टुक एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 12 hours and 15 minutes, बट वी हैव रीच इन वन गो। वी डिड नॉट स्टॉप एनी वेयर, लंच करने के लिए एक छोटी सी जगह पर रुके थे जो ढाबा मैंने आपको पीछा दिखाया था, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आज थक चुके हैं, अंधेरा सा होने वाला है ऑलमोस्ट 5:30-5:40। तो कल सुबह आई थिंक इट विल बी द नेक्स्ट व्लॉग दैट यू विल बी सीइंग। उस व्लॉग में हम लोग देखेंगे इस पूरी जगह का टूर एंड फाइनली यू विल बी सीइंग, थोड़े बहुत ग्लिम्स तो आपने देख लेंगे, लेकिन फाइनली सुबह उठ के कल मैं आपको ये पूरा का पूरा ये जो बैकग्राउंड में मैं व्यू देख पा रहा हूँ वो आप भी देखेंगे। पूरा एक होटल टूर देंगे एक अच्छा सा एंड देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे आसपास क्या क्या जगह। वी आर हेयर फॉर गुड 5-7 days, नॉट डिसाइडेड, बोल के आए हैं कि बस रुकेंगे थोड़े दिन, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, चिल करेंगे, खाएंगे पीएंगे एंड आई सपोज देयर इज सम कैफे आल्सो अराउंड हियर, सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट टू। अच्छी जगह है, ऑफ बीट सी जगह है। सो ठीक है, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज माई फर्स्ट एफर्ट, सो ठीक है माफ कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड होप यू लाइक दिस सीरीज, यू लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग एंड इफ यू डू लाइक I will make sure that I make something like this in the future too. I'll keep the persistence going. So take care. Bye bye. Good night. I'll...